ठीक है। तो जो आज का लेक्चर हमारा है तरल यांत्रिकी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तरल क्या दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, तरल यांत्रिकी के प्रकार, तरल यांत्रिकी के प्रकार, तरल यांत्रिकी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है? तरल क्या होता है? ये चीज़ें देखो क्या होता है, सभी चीज़ें कि जो जो टाइप्स ऑफ लिक्विड है वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? तीन प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? तभी पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है वो होता है द्रव, द्रव स्थिति। फर्स्ट वाला समय जो होता है वो होता है द्रव स्थिति, द्रव स्थिति। फर्स्ट वाला होता है द्रव स्थिति, यानी सूखे सत्यापन लोग फ्लूइड स्टैटिक्स। फर्स्ट वाला देखिए होता है आपको, तो ये फर्स्ट वाला होता है, ये होता है ना द्रव स्थितिक, द्रव स्थितिक यानी, द्रव स्थितिक यानी फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स यानी द्रव स्थितिक या फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है द्रव गति, द्रव गति यानी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ठीक है? जो तरल यांत्रिकी के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है? द्रव स्थिति, द्रव गति की और हाइड्रोडायनामिक्स। अगला होता है जो होता है होता अपना हाइड्रो, हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है? स्थितिक में क्या होता है कि जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होते हैं कि जो भी फ्लूइड होता है वो कैसा होता है? अपना इनकंप्रेसिबल, इसमें जो कंप्रेसिबल यानी कि इलेक्ट्रोल द्रव स्थिति, यानी इसके में जो अध्ययन करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है ना वो रुका हुआ है, इनकम्प्रेसिबल, यानी कोई बह नहीं सकते, कहीं कंप्रेस हो ही नहीं रहा है, तो कह सकते हैं कि इसमें जो द्रव होता है वो कैसे इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है असंपीड्यता, 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 यानी स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। इसमें उस फ्लूइड का अध्ययन किया जाता है जो फ्लूइड हमेशा कैसा ठहरा हुआ हो या रुका हुआ हो, तो उसमें क्या कहते हैं अपन लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, या उसको फ्लूइड स्टैटिक कहा जाता है, उसको फ्लूइड स्टैटिक्स कहा जाता है, उसको फ्लूइड स्टैटिक्स कहा जाता है, ठीक है? फ्लूइड स्टैटिक्स कहा जाता है उसे, ठीक है? उसके बाद अगर मैं द्रव गति के बाद इसमें क्या होता है कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लूइड, यानी कह सकते हैं इसमें संपीड्यता, क्या कहना अपने को,
कि द्रव स्थितिक में असंपीड़ितता और द्रव स्थिति यानी द्रव स्थितिक में या फ्लूइड स्टैटिक में उस फ्लूइड की बात करके जिसमें फ्लूइड कैसा हो अपना रुका हुआ हो, फ्लूइड काइनेटिक उसका उस द्रव की बात करके जिसमें फ्लूइड कैसा हो गति करता हो फ्लो करता रहता है। जैसे उदाहरण के मान लो कि बाल्टा है उस बाल्टी में पानी भर दिया तो किसके अंतर्गत आ जाएगा अपना फ्लूइड स्टैटिक के अंतर्गत आ जाएगा। द्रव गतिक में क्या होता है कि मान लो नदी या नाल में पानी बहते हुए देखते होंगे तो उसमें द्रव गतिकी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें क्या होता है कि द्रव स्थिति और द्रव गति इन दोनों को मिला के बन जाता है द्रव डायनामिक्स हाइड्रोडायनामिक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जंप करता हो पानी, उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा जो डैम वगैरह में पानी जंप करता है ना, डैम्स वगैरह पे जो पानी जंप करता है, ठीक है ना, इस बार का हाइड्रोडायनामिक्स रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं अपने तरल पदार्थ का। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक आइडियल फ्लूइड दूसरा रियल फ्लूइड। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर फ्लूइड में कैसा आएगा देखिए, नीचे तरल के प्रकार टाइप्स ऑफ डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा, तरल पदार्थ
दो प्रकार के होते हैं, आदर्श ध्रुव एक वास्तविक ध्रुव। आदर्श ध्रुव में आइडियल फ्लूइड में क्या होता है कि श्यानता और विस्कोसिटी ये कोई सी प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि फ्लूइड की किसी प्रतिरोध उत्पन्न करता ही नहीं है। जो वास्तविक या रियल फ्लूइड होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट और न्यूटनियन फ्लूइड दोनों फ्लूइड इसमें होते हैं। ठीक है,